everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss a very different topic, that is probability distribution curves. Basically, जो हम electrons का पढ़ते हैं कि electron nucleus के आसपास किस region में मिल सकता है, उसके मिलने की probability क्या है, उसको हम probability distribution curve से पढ़ते हैं and ये बहुत बार काफी exams से पूछा जाता है. तो इस video में हम इस topic को clear करेंगे. So kindly watch the video and subscribe to my channel. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, प्लीज गिव इट अ लाइक. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. देखो, हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है. अब न्यूक्लियस के कितना पास ये इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसको हम स्टडी करते हैं. बेसिकली न्यूक्लियस के आसपास जो सराउंडिंग रीजन है उसमें किस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उस रीजन को हम डिफाइन करते हैं यूजिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है जी. अब जिस प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उसी प्रोबेबिलिटी को, कि वो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. ठीक है जी. अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके साई एंड साई स्क्वायर यानी कि वेव फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं, उसी को हम प्लॉट करते हैं विद द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो जैसे हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं साई एस साई स्क्वायर को अगेंस्ट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज आर. ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैसे वैसे कितना इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ है इसमें हमने साई साई स्क्वायर को प्लॉट किया है अलोंग द आर. सो जो ये मार्क लाइन है ब्लैक वाली, दिस रिप्रेजेंट्स द साई स्क्वायर एंड जो डॉटेड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द साई ग्राफ. सो बेसिकली पहले साई का ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया एंड उसको आर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया. तो हमने देखा कि भाई ऐसे ग्राफ आ रहा है, जब ये 1s के लिए है ये 2s के लिए, जब हमने 2s के लिए प्लॉट किया तो हमने देखा कि उसके अंदर नेगेटिव भी आ रहा है. एंड ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो साई होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है जबकि साई स्क्वायर का होता है. तो फिर हमने साई स्क्वायर के ग्राफ को प्लॉट किया. सो साई स्क्वायर के ग्राफ को जब प्लॉट किया तो ये ब्लैक वाले रीजन आए. ठीक है जी. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इस ग्राफ के थ्रू हमने पढ़ा कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे यहाँ पे R क्या है, मिनिमम है. ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है जहाँ पे R मिनिमम है, धीरे धीरे रेडियस क्या हो रहा है, एटम का इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे देखो साई है साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है मैक्सिमम है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम. सो यहाँ पे मैक्सिमम है. एंड जैसे जैसे आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है हमारे एटम का, वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, 2s के लिए जब प्लॉट किया गया तो पहले यही हुआ कि जैसे जैसे r इंक्रीज हुआ, पहले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुई एंड एक मिनिमम पॉइंट पे रीच किया, दोबारा वापस इंक्रीज हुई, एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन आया, देन वापस डिक्रीज हुई. सो बेसिकली दीज वर द प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शंस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है जी. अब दिक्कत क्या हुई, इनको तो हमने प्लॉट कर दिया बट इनका सिग्निफिकेंस इतना नहीं था, इनका जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो इतना अच्छा नहीं हुआ. तो इससे भी बेटर एक सजेशन दिया गया कि हम इसकी जगह रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को डिस्कस करेंगे. वो क्या होता है वो भी हम समझते हैं. उससे पहले आप ये वाला डायग्राम समझो, ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन ही होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का. इसमें क्या है, हम एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन करते हैं. बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वहां पे हम एक डार्कर रीजन शो करते हैं, उससे हम दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उसको हम लाइटर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखो, ये सेंटर में न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1s के लिए है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो यहाँ पे देखो डार्कर रीजन सजेस्ट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट वॉज मैक्सिमम. फिर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं दैट मीन्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, उसी तरह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. सो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन. अब जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, उसको समझते हैं. वी हैव सीन द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस.
बट अगर हमें एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो फॉर एन इनफाइनिटेसिमली स्मॉल रीजन तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर दैट वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर दैट रीजन इन टू द वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन. ठीक है जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वॉल्यूम फॉर विच वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वी नो साइज स्क्वायर होता है, वॉल्यूम हमने ले ली स्मॉल वॉल्यूम डीवी. सो साइज स्क्वायर डीवी क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. ये हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं इसको. ठीक है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मुलाज यूज करके. देन उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई नेट, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइज स्क्वायर. सो बेसिकली रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम इस टर्म को प्लॉट करते हैं, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब इसको समझते हैं ये बना कैसे. देखो अगर हम यहाँ पे बात करें एट दिस पॉइंट, यहाँ से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो रेडियस है वो मिनिमम है, यानी कि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. तो न्यूक्लियस पे जो वॉल्यूम है यानी कि जो हम डीवी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो भी मिनिमम होगा, क्योंकि शेल का वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, मिनिमम है. तो दैट्स वाई जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वाला टर्म है यानी कि जो वॉल्यूम वाला टर्म है, ओके, ये भी क्या होगा यहाँ पे मिनिमम होगा. यहाँ पे आप डी आर भी एड कर लेना. ठीक है, सो ये टर्म भी क्या होगा, मिनिमम होगा. बट हमने अभी पढ़ा था कि जो साइज स्क्वायर है वो न्यूक्लियस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, देन रेडियस के साथ डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली ये वाली टर्म तो मिनिमम है इस पॉइंट पे और ये वाली इंक्रीज हो रही है. आगे देखते हैं, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा दैट मीन्स वॉल्यूम तो क्या होगी, शेल की इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. बट अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे हम वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो बेसिकली जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो नेट रिएक्शन क्या होता है, नेट रिजल्ट क्या होता है, कि पहले क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एकदम से इंक्रीज होती है जो प्रोबेबिलिटी है, देन एक मैक्सिमम पॉइंट को रीच करते हैं जिसको हम पीक पॉइंट बोलेंगे, एंड उसके बाद फिर वापस धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है. इसका रीजन क्या है, इंक्रीज तो हुई क्योंकि ये वाला फैक्टर तो इंक्रीज हो रहा है, बट साइज स्क्वायर डिक्रीज भी तो हो रहा है ना, तो एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद ये डिक्रीज होने लगती है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी रीजन या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन. ठीक है जी, ओके, सो दिस इज द ग्राफ. अब आप जो ये आर नॉट देख रहे हो यानी कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, बेसिकली ये पीक पॉइंट क्या है, ये वो एरिया है जहां पे न्यूक्लियस से जब हम दूर जा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम चांसेस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रेडियस या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन. ठीक है जी, सो ये आर नॉट हो गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रेडियस एंड ये रीजन क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अ प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. अब हम अलग अलग सब शेल्स के लिए, लाइक एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, अलग अलग सब शेल्स के लिए देखते हैं कि कैसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. सो वेरियस एस सबशेल्स के लिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करेंगे. सो ऑब्वियसली हम वही प्लॉट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर साइज स्क्वायर को विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब ये ग्राफ्स आते कैसे हैं वो देखते हैं. जो 1s का ग्राफ है उसमें देखो क्या मिलता है आपको, एक हाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन मिलता है एंड ऐसा एक ही रीजन होता है. इस डायग्राम में या इस ग्राफ में कोई नोड्स नहीं है. नोड्स क्या होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निग्लिजिबल या फिर बोल सकते हैं जीरो होती है. ठीक है जी, सो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है एंड देयर इज एन हाई प्रोबेबिलिटी रीजन प्रेजेंट इन दी 1s सबशेल ग्राफ. ओके जी, जब हम 2s पे जाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पहले एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन आता है, देन अ नोड अचीव्ड, यानी कि एक ऐसा एरिया आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो. देन वापस से क्या होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन हमें मिलता है. सो बेसिकली 2s में हमें क्या मिलते हैं, दो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन मिलते हैं एंड एक नोड मिलता है. ठीक है, 3s पे आते हैं, जब हम 3s पे आते हैं तो क्या होता है, थ्री जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर है दैट इज 3 एंड इसके अंदर क्या होता है, हमें 3 ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन मिलते हैं एंड 2 नोड्स मिलते हैं. अगर हम 4s की बात करें तो क्योंकि प्रिंसिपल काउंटर नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 क्या मिलते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा पाई गई एंड 3 नोड्स मिलते हैं, लाइक 1, 2 एंड 3, यानी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सो इससे आप एक पैटर्न देख सकते हो कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फॉर एसेंशियली एप्लीकेबल होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें उतने ही क्या मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन इज इक्वल टू एन. वेयर एज नोड्स हमेशा क्या होंगे, जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन होगा उससे माइनस 1, दैट इज यहाँ पे एन माइनस 1.
सो यहाँ पे एन क्या है 1, सो मैक्सिमम प्रायोरिटी रीजन 1 एंड नोड्स एन माइनस 1 दैट इज 0. यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी रीजन 2 नोड्स 1, मैक्सिमम प्रायोरिटी रीजन 3 नोड्स 2, मैक्सिमम प्रायोरिटी रीजन 4 एंड नोड्स 3. इस तरह से आप इन डायग्राम्स को प्लॉट कर सकते हो. बस इनमें आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि पहले जैसे जो हम इंक्रीज करेंगे इन द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कॉन्टर नंबर फॉर डिफरेंट सबशेल्स, तो क्या होगा जो इस हमारा ग्राफ आ रहा है उसकी जो ब्रॉडनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो हमने स्टार्टिंग में लिया होगा. ठीक है जी, इस तरह से हम इन ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं. ये हो गई एस सबशेल की बात. अब हम देखते हैं कि पी के लिए एंड डी एंड एफ के लिए हम कैसे इनको बनाएंगे. सो अब हम अलग अलग सबशेल्स के लिए देखते हैं लाइक पी डी एंड एफ कि इनके अंदर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या डिफरेंस आता है. सो दिस इज द कर्व फॉर 2p एंड दिस इज द कर्व फॉर 3p. तो आप एक चीज कॉमन देखोगे कि जैसे जब हमने 1s के लिए लिया यानी कि जो s सबशेल होता है उसमें जो पहला आता है वो 1s के अंदर आता है, ऐसे जो p सबशेल होता है उसमें जो फर्स्ट एग्जिस्ट करता है वो 2p करता है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता. तो जो 1s एंड 2p का जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो सिमिलर होगा. इसी तरह से अगर हम d की बात करें तो उसमें जो पहला आता है d ऑर्बिटल वो किसमें आता है 3d के अंदर इंक्लूड होता है यानी कि थर्ड सबशेल में. तो जो 3d का जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा दैट विल बी सिमिलर टू 1s एंड 2p. बस डिफरेंस क्या होगा, जैसे 1s का थोड़ा शार्प था 2p का थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी जो इसकी हाइट है एंड ब्रॉडनेस थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, उसी तरह से 3d में थोड़ी और हो जाएगी. जैसे आप यहाँ पे देखो 2p एंड 3d में, इनमें भी दोनों में क्या है एक ही हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का रीजन एक ही है, कोई नोड्स प्रेजेंट नहीं है. बट डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ी शार्पर पीक्स है ब्रॉडर, इसमें थोड़ा ब्रॉडर एरिया है, इसमें थोड़ी शार्प पीक है, बस ये डिफरेंस है. ठीक है जी, ऐसे हम 2p और 3p का कंपैरिजन करें तो इट इज सिमिलर टू लाइक 1s एंड 2s. ठीक है, जैसे s के लिए क्या था, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन वॉज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस 1. यानी कि अगर 2p की बात करें तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होंगे n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 यानी कि एक रीजन. अगर 3p की बात करें तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होंगे n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 यानी कि 1 एंड 2 एंड नोड्स कितने होंगे n माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज 1. सो बेसिकली जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैसे वैसे इनका पैटर्न सेम चलेगा. ठीक है जी, ऐसे 3d में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1s 2p एंड 3d तीनों में क्या होगा एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन आएगा. ऐसे अगर हम 4f की बात करें तो 4f में क्या होगा, उसमें भी तो सेम ही चीज है कि जो f सबशेल है वो पहली बार किस में आता है फोर्थ क्वांटम नंबर में इंक्लूड होता है. तो इसलिए जो 4f का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा दैट विल बी सिमिलर टू 1s. बट डिफरेंस क्या होगा, जो इसकी ब्रॉडनेस है वो क्या होगी बहुत इंक्रीज हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें भी कितना ज्यादा फर्क है. ठीक है, वन प्रोबेबिलिटी रीजन मैक्सिमम बट डिफरेंस बहुत है. ठीक है जी, सो इस तरह से आप सारे प्रोबेबिलिटी कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं एंड आई होप कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो. अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. थैंक यू.